देश में कोरोना वायरस के दौरान ब्लैक फंगस के अब तक 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और गुजरात है। कई शहरों में व्हाइट और येलो फंगस के मामले भी देखने को मिले हैं। इस बीच एक और खतरनाक फंगल इन्फेक्शन ने दस्तक दे दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा में डॉक्टरों ने एस्परगिलोसिस नाम के एक फंगल इन्फेक्शन के 8 मामलों की सूचना दी है। ब्लैक फंगस की ही तरह एस्परगिलोसिस संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए हैं। वडोदरा में गुरुवार को ब्लैक फंगस के 262 नए मामले और एस्परगिलोसिस के 8 नए मामले सामने आए हैं। सभी 8 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पल्मोनरी एस्परगिलोसिस संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। हालांकि साइलस पल्मोनरी एस्परगिलोसिस जो अभी कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है वो दुर्लभ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एस्परगिलोसिस ब्लैक फंगस संक्रमण जितना घातक नहीं है, लेकिन ये भी घातक हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसका अधिक जोखिम कोरोना रोगियों को है। फंगल संक्रमण के बढ़ते मामलों को स्टेरॉयड के उपयोग और कमजोर इम्यूनिटी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की आपूर्ति को हाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार एस्परगिलोसिस एस्परगिलिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है जो एक कॉमन मोल्ड इन्फेक्शन है जो घर के अंदर और बाहर रहता है। अधिकांश लोग एस्परगिल्स बीजाणुओं को बिना बीमार हुए प्रतिदिन श्वास लेते हैं। कमजोर इम्यूनिटी या फेफड़ों की बीमारी वाले लोगों में एस्परगिल्स के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं विकसित होने का अधिक खतरा है। एस्परगिल्स के कारण होने वाली समस्याओं में एलर्जी, फेफड़ों सहित शरीर के अंगों में संक्रमण शामिल है। एस्परगिलोसिस के कुछ लक्षणों में भरी हुई नाक, नाक बहना, सिर दर्द और सूंघने की क्षमता कम होना आदि शामिल है। आमतौर पर संक्रमण का निदान फेफड़े के उत्कों की बायोप्सी करके किया जाता है। वही आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। रोजाना आने वाले नए मामलों का घटना जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 173,000 नए मामले सामने आए हैं। ये पहली बार है जब कोरोना के इतने कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा अब भी 3500 के पार है। एक दिन में कोरोना से देश भर में 3617 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के एक्टिव केस में 1,14,428 की गिरावट आई है। अब देश में कोरोना वायरस के 22,28,724 एक्टिव केस है। वहीं देश में कोरोना से अब तक कुल 3,22,512 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।